नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडियन पॉलिटी के वीडियो चल रहे हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसमें हमारा जो है चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 14 के दो लेक्चर ऑलरेडी जो अपलोड हो चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देख ले, क्योंकि उन दोनों लेक्चर को आप देख लोगे तो ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है लेक्चर इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो कमीशंस होते हैं यानी कि आयोग और जो समिति होती है, कमेटी जिसे हम बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो भारत है, भारत हुआ था 47, मतलब 1947 से हमारा जो भारत है आज़ाद हुआ था, और जो यहाँ तक मतलब 1966-67 तक हमारा जो भारत है जो व्यवस्था चली, एक तो होता है सेंटर और एक होता है स्टेट, दोनों के मध्य जो व्यवस्था चली आ रही थी, रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंटर जो रिलेशन होते हैं सेंटर और स्टेट के, उनके बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा, एक तो हमने लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या होती है, मतलब किस प्रकार दोनों के मध्य डिवाइड होगा, जो विधायी कानून बनाने वाली जो पावर होती है। फिर हमने देखे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब जो एग्जीक्यूशन, जो भी पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, वो किस प्रकार डिवाइड होगी दोनों के मध्य। और फिर देखे हमने फाइनेंशियल पावर, मतलब जो वित्त से संबंधित जो भी पावर होगी उनके मध्य किस प्रकार से इन दोनों के मध्य डिवाइड किया जाएगा। तो इन दोनों के लिए हमने जो है जो पिछले दो लेक्चर है उसमें अच्छे से इनको डिफाइन किया है। तो आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ा हमने, जैसे कि हमने देखे 245 से 255 तक पढ़ा, उसके अलावा हमने देखे 256 से 263 तक पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो हमने तीन प्रकार के यहाँ पावर देखे थे, तो तीन प्रकार के सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे 7 शेड्यूल में हमने देखे हैं, एक तो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ये जो होता है सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन इसमें जो है सेंटर जो है पावर इसका रहता है कि वो उससे संबंधित विषय को हैंडल करे, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पावर रहते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इन दोनों के पावर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो किस प्रकार से सामंजस्य बना के चले, ये सारी व्यवस्था हमने देखे। अब समय समय पे क्या हुआ, बदलते गई स्थिति। तो 1967 तक तो हमने देखे सारी स्थिति सेम चल रही थी, पर उसके पश्चात क्या हुआ, जो केंद्र है केंद्र में अलग गवर्नमेंट बन गई और स्टेट में अलग बन गई, तो दोनों के मध्य जो है खिटपिट होने लगी, दोनों के मध्य तनातनी होने लगी और जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कमेटी और कमीशन का यहाँ गठन किया गया, और उनके द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और समय समय पर जो है रिकमेंडेशन दी गई, और गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस होते गए। तो यहाँ हमको देखना है ये जो आपके सामने दिख रही है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसके अलावा राजमन्नार कमेटी है, आनंदपुर साहिब जो है रेजोल्यूशन इसके बारे में देखना है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम देखना है, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन। तो यहाँ हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा सरकारिया कमीशन पर रहेगा और पुंछी कमीशन पर, ये दोनों ही मुख्य फोकस रहेंगे। और जो तीन आपको नजर आ रही बीच में, ये नॉर्मल रहेगी, क्योंकि ये जो तीन थी, तीन जो है स्टेटों के द्वारा डिफाइन की गई थी। तो सिंपल सी बात है, स्टेट के द्वारा अगर बनाई गई है तो वो सेंटर की बुराई बोलेंगे, मतलब उसके जो कानून है उसके बारे में बोलेंगे कि ये गलत है। तो इनको तो केंद्र सरकार के द्वारा एक्सेप्ट भी नहीं किए गए, मतलब इनके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उनको केंद्र सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हमको मुख्य रूप से दो पर फोकस करना है, तो देखते हैं एक एक करके सभी को। तो यहाँ पहली बात की क्या क्या की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो जैसे कि हम देखें तो ये जो डिफाइन किया गया था, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसको जो है 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का यहाँ गठन किया गया था, जिसका कि बाद में इसका अनुसरण किया है हनुमंतिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो यहाँ आपको ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोरारजी देसाई और के हनुमंतिया। पर बाद में इस आयोग की जो रिपोर्ट है इसकी अध्ययन के लिए एमसी सीतलवाड़ के यहाँ अधीन एक दल का गठन किया गया। तो इस नाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, पर ये दो नाम आपको डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ बात की है फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, मतलब फर्स्ट एआरसी की यहाँ बात की जा रही है। तो सेकंड भी यहाँ डिफाइन किया गया था, मतलब सेकंड एआरसी का भी यहाँ गठन किया गया था। सेकंड कब बना था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये सारे दो क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। मतलब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को कब बनाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
और इसकी जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। इसमें क्या कहा गया था, जो केंद्र और राज्य संबंध है उनको सुधारने के लिए यहाँ 22 रिकमेंडेशन मतलब 22 सिफारिश को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि मुख्य रूप से यहाँ यदि हम देखें तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जो आर्टिकल डिफाइन किया गया था 263, इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया, जो बाटा डिस्प्यूट होते हैं, बाटा डिस्प्यूट का मतलब जो हमारा भारत है, भारत के मध्य यदि हम देखें तो नदी जो होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मध्य गुजरती है, जैसे कि तमिलनाडु और केरल इनके मध्य विवाद था, पंजाब और हरियाणा के मध्य विवाद था, एमपी और राजस्थान, ये सारे जो है एक दूसरे राज्य के मध्य बहुत सारे विवाद होते हैं पानी को लेकर, मतलब वाटर डिस्प्यूट। तो इसके लिए जो है इंटर स्टेट काउंसिल को यहाँ डिफाइन किया गया था, जो कि इनके जो झगड़े होते हैं, जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाया जा सके। इसके अलावा जो गवर्नर रहता है मतलब राज्यपाल, उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया था, मतलब जो गवर्नर होता है वो राज्य में किस प्रकार से, यहाँ जैसे कि सेंटर में किसकी सरकार है, मान लीजिए बीजेपी की, तो गवर्नर को जो है स्टेट में भी गवर्नर की सरकार, गवर्नर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ यहाँ पे डेफिनेशन थी। और फाइनेंशियल रिसोर्स यहाँ प्रोवाइड करने से संबंधित यहाँ डिफाइन किया गया कि फाइनेंशियल रिसोर्स किस प्रकार प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब स्टेट को यदि अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो अच्छे से सारी योजनाओं को एग्जीक्यूट करेगा, सारे कार्य जो है अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकेंगे। और सेंट्रल जो आर्म फोर्स है, मतलब जो आर्म फोर्स रहती है वो डिप्लॉय कर दी जाती है, तो वो बिना किसी स्टेट, मतलब जो है स्टेट की अगर रिकमेंड मतलब जो है अनुमति नहीं है, स्टेट अगर नहीं चाहता है तो तब तक क्या करे, सेंट्रल आर्म जो है फोर स्टेट में डिप्लॉय नहीं कर सकता, मतलब स्टेट की रिक्वेस्ट के बाद ही ये इस प्रकार के जो है सारे काम किए जाएंगे। पर ये इसके अंतर्गत जितने भी सारे काम डिफाइन किए गए थे वो उसको कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती हमारे लिए। इसके अलावा देखें हम तो जो तीन हमने देखे थे, तीन कौन कौन सी देखे थे, यहाँ हमने बात करे थे राजा मन्नार कमेटी 1969, आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशन 1973, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, ये स्टेट के द्वारा डिफाइन की गई थी और इनकी जो कोई भी रिकमेंडेशन है वो सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ जैसे पहले की बात की जा रही है राजा मन्नार कमेटी की, तो राजा मन्नार कमेटी जो है 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर बीपी राजा मन्नार की अध्यक्षता में, मतलब तीन सदस्यीय समिति थी ये, तो ये केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा एवं राज्यों को स्वायत्ता, मतलब जो सेल्फ ऑटोनॉमी होती है, राज्य जो स्वतंत्र हो जाएंगे उससे संबंधित जो संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु ये इस समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति ने जो है 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट को सौंपा था, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पे इसकी जो रिक्वेस्ट थी, तो यहाँ देखें स्पेशल पावर होना चाहिए जो सेंटर की जो स्पेशल पावर है उसका उसके द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टेट को भी पावर होनी चाहिए स्पेशल, तो इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई। वन पार्टी रूल का मतलब जैसे सेंटर में यदि बीजेपी है तो स्टेट में भी ऑटोमेटिक उसको चेंज करके रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब स्टेट में यदि कांग्रेस का गवर्नर है तो उसको धीरे से चेंज करके बीजेपी का ला दिया जाएगा, तो ये बोला गया है ये गलत है, मतलब वन पार्टी का रूल जो है ये गलत है। नो फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब जो स्टेट है स्टेट को फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा प्रदान नहीं किए गए, मतलब पूरा जो दबदबा है किसका है, केंद्र सरकार का है, इससे क्या उसका गलत उपयोग होता है। सेंट्रल प्लानिंग कमीशन है तो सेंट्रल जो है अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, हालांकि प्लानिंग कमीशन को अभी हटा दिया गया है। उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज को जो है एबोलिस्ट करने की बात की जा रही है, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती है, एक आईएएस आ जाता है, आईपीएस आ जाता है और एक आईएफएस आ जाता है, तो इनको हटाने की यहाँ बात की जा रही है। मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस है जिसे हम बोलते हैं जो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत है, उनको हटाने की यहाँ बात की गई है इस कमेटी के द्वारा। और जो सारे इसके द्वारा रिकमेंडेशन दिए गए थे इससे को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया, मतलब कोई भी रिकमेंडेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया केंद्र सरकार के द्वारा राजा मन्नार कमेटी की। इसके अलावा यदि हम देखें तो आनंदपुर साहिब जो कमेटी थी इसके बारे में देखें तो 1973 में क्या हुआ, अकाली दल पंजाब के जो आनंदपुर साहिब है वो उसमें जो एक बैठक हुई थी उसमें राज्यों एवं जो राज्यों की जो धार्मिक एवं राजनीतिक मांग है उसके संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। तो आनंदपुर जो है एक जगह है उसी के नाम पर आनंदपुर साहिब जो है इस कमेटी का नाम रखा गया है। तो इसके द्वारा बहुत सारे रिकमेंडेशन दी गई, कौन कौन सी, एक तो डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड रेजिडरी पावर जो होती है, जैसे कि
डिफेंस होता है, डिफेंस होता है केंद्र सरकार का होता है, फॉरेन अफेयर्स भी केंद्र सरकार का, कम्युनिकेशन होता है केंद्र सरकार का, पर इन सभी को छोड़कर जो रेजिडरी पावर होती है मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ बच जाती है वो स्टेट की होनी चाहिए, यहाँ पे इसके द्वारा बोला गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल होना चाहिए, मतलब जो हमारा भारत होना चाहिए फेडरल होना चाहिए, संघीय जैसे हम बोलते हैं, तो इसके द्वारा क्या बोला गया, जैसे संघीय यदि कर देते हैं तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अब इमरजेंसी की बात आती है, मतलब जैसे आपातकाल लग गया तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका गलत उपयोग होता है, मतलब यूनिटरी हो जाता है, मतलब एक ही हो जाता है, पूरा भारत जो होता है एक, मतलब इंटीग्रेटेड हो जाता है एक तरीके से, पूरे राज्य जो होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ डिफाइन किया गया है कि संघीय व्यवस्था होनी चाहिए हमारे भारत की, मतलब जितना केंद्र सरकार को यहाँ पावर होती है उतना ही स्टेट को भी होना चाहिए। इक्वल अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन जो होता है सभी स्टेट को है, जो सेंटर और स्टेट सभी को रहना चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, पर यहाँ भी इसकी जो सारी मांग है ये इसको आपको याद नहीं रखना है, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं हम वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम की बात की जा रही है, तो इसको जो है 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा केंद्र और राज्यों के संबंध पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया गया था, इसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की गई। तो ये इसमें भी उसी प्रकार से मतलब पिछले जो देखे हमने राजा मन्नार और जो हमारी एक और है उसके उसके अनुसार यदि हम देखें तो उसमें क्या बात की गई कि जो यूनियन शब्द है यूनियन को यहाँ पे फेडरल वर्ड से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ बात की गई। और केंद्र सरकार के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इसके अलावा करेंसी, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन होता है, इन सभी को छोड़कर जो अदर सब्जेक्ट बच जाते हैं उनको स्टेट को पावर देने को बोला गया, मतलब बाकी जब भी सभी सब्जेक्ट में स्टेट को बोला गया है कि स्टेट की पावर होनी चाहिए रेजिडरी पावर में, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ बच जाती है वो स्टेट की पावर होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 357 जो कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, और 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब फाइनेंशियल जो वित्तीय आपातकाल होता है उससे रिलेटेड है, तो इनको हटाने मतलब पूरी तरीके से बंद करने की यहाँ बात की गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात की गई है। फॉर्मेशन मतलब जब भी न्यू स्टेट बनाया जाता है तो न्यू स्टेट बनाने पर जो स्टेट होते हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है, तो उसमें बोला गया कि भाई स्टेट नए स्टेट बनाते हैं तो जिस स्टेट को तोड़कर नए स्टेट बनाएंगे तो उस स्टेट से पहले परमिशन लेना यहाँ पर डिफाइन किया गया। जो ऑल इंडिया सर्विस है यहाँ भी बोला गया कि उसको भी बंद कर दिया जाए, तो परंतु जो केंद्र सरकार है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसकी जो एक भी डिमांड है वो उनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट आपका कमीशन, कौन सा, सरकारी कमीशन। तो सरकारी कमीशन के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो 1983 था, 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएस सरकारिया इनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का यहाँ गठन किया गया था। तो इस आयोग के द्वारा क्या कहा गया, जो केंद्र और राज्य सरकार उनके बीच में सभी व्यवस्थाओं का कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे, और इसके अलावा जो उचित मतलब जो संबंध है संबंधों में उचित परिवर्तन बफर प्रमाणिक सिफारिश प्रदान करें, इससे जो है अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, पर बाद में इसको बढ़ा दिया गया, मतलब 4 बार बढ़ाया गया, तो टोटल मिलाकर 4 वर्ष इसको किया गया। और अंतिम रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की, 1987 में। इसके बाद जो है इसका जो सार मतलब जो समरी आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया, और आयोग ने राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में टोटल मिलाकर 247 सिफारिशें की। अब इतनी सिफारिशें तो हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें भी इतने सारा जो सिफारिश भर दी गई है, इनको पढ़ते पढ़ते हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, तो हमको सभी को याद नहीं रखना है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, जो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल है उसको सेटअप किया जाए 263 आर्टिकल के अंतर्गत उसे रखा गया, और जो आर्टिकल 356 है मतलब प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है, तो लास्ट मौका होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट में जो गवर्नर है, गवर्नर या मुख्यमंत्री, उसकी गवर्नमेंट पसंद नहीं आई तो क्या हो जाएगा, वो कभी भी वहाँ पे इमरजेंसी लगा देगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, तो कभी भी जब जब स्टेट की मनमर्जी आई तब वो राज्य में क्या हो, इमरजेंसी मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसके द्वारा क्या डिफाइन किया गया कि लास्ट अंतिम मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि
अंतिम आपने युद्ध देखा होगा, युद्ध में क्या होता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सबसे लास्ट में किया जाता है, तो कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ उसी प्रकार का डिफाइन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो अंतिम रहना चाहिए, कि भाई जब आपके पास में कोई पावर है ही नहीं तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। पर यहाँ पे कब क्या हो गया कि भाई अगर मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं आया तो प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो इस प्रकार की हरकतें होती है। इस कारण यहाँ डिफाइन किया गया कि जो 356 है वो क्या होना चाहिए, लास्ट मतलब अंतिम रहना चाहिए, कि जब आपके पास में किसी भी प्रकार के मौके ना हो तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और जो ऑल इंडिया पावर है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसकी पावर को अपग्रेड कर दिया जाए ताकि क्या हो वो और अधिक इससे क्या हो मतलब सभी जगह उसको अप्लाई किया जा सके। एटोनॉमी होना चाहिए किसकी, रेडियो और टीवी की, ताकि क्या हो अच्छे से अब जो न्यूज़ है न्यूज़ को प्रसारित किया जा सके और उन पर कोई पाबंदी ना रखे। टैक्स से रिलेटेड यहाँ मैटर था, मतलब जो सेंटर और गवर्नमेंट है उनके मध्य जो विवाद था उनसे संबंधित यहाँ डिफाइन किया गया कि किस एरिया में टैक्स को कौन वसूलेगा और किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कौन करंट लिस्ट के सब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन किया गया है कि कितने जो है केंद्र सरकार के हाथ में रहेंगे और कितने राज्य सरकार के हाथ में रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है दोनों का यहाँ अधिकार होता है, पर यदि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है मतलब जब लड़ाई या जो भी तनाव की स्थिति आती है तो ज़्यादा पावर किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। फिर यहाँ गवर्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित यहाँ बात की जा रही है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन होना चाहिए, वर्णन क्यों होना चाहिए, अभी तक तो क्या है गवर्नर को अपनी मर्जी से डिफाइन कर लिया जाता है कि भाई ये गवर्नर है, पर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए रूल्स है उसी प्रकार गवर्नर के लिए रूल्स रहना चाहिए। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो NDC है उसका नाम बदलने की यहाँ बात की गई, हालांकि NDC अभी हट गई है, और फेडरल जो मतलब जो हमारा संविधान है फेडरल उसको प्रमोट करने की यहाँ बात की गई है। इसके अलावा देखते हैं पुंची कमीशन क्या बोला गया है। पुंची कमीशन में बोला गया है कि जो अप्रैल 2007 है उसमें केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश है मदन मोहन मतलब MM पुंची जो मदन मोहन पुंची है उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है पुंची कमीशन है, जिसका जो है इस आयोग का जो गठन है इसलिए किया गया था कि जो दो दशक पहले जो गठित सरकारी आयोग है उसके बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो गए, ये पूरी तरीके से उससे इनहेरिट की गई थी, मतलब सरकारी कमीशन पर इनहेरिट की गई थी। तो इसके बाद यदि हम देखें तो जो नई परिस्थितियाँ थी, नई परिस्थितियों में क्या बोला गया, जो केंद्र और राज्य संबंध है उनको पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है, और इसमें क्या डिफाइन किया गया, कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई, जो लिस्ट थर्ड है यानी कि जो हमारी सेंटर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट, जो लिस्ट थर्ड है मतलब कॉन्करेंट लिस्ट है समावर्ती सूची, उसमें जो है दोनों की पावर होना चाहिए, मतलब दोनों का अधिकार होना चाहिए, यूनियन और स्टेट दोनों का, मतलब संघ का भी होना चाहिए और स्टेट का भी होना चाहिए, इस प्रकार की यहाँ बात की गई। उसके बाद जो है गवर्नर को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स यहाँ डिफाइन किए गए कि मतलब जो गवर्नर होना चाहिए, जैसे कि हम मध्य प्रदेश का गवर्नर डिफाइन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जो गवर्नर डिफाइन करना है वो अदर स्टेट का होना चाहिए, अदर स्टेट बोले तो आउटसाइड के जो भी स्टेट है उसका चल जाएगा, और वो संबंध नहीं रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स से यदि संबंध रखा भी है तो पास्ट में मतलब भूतकाल में यदि संबंध रखा है तो बहुत पहले की स्थिति होना चाहिए, करंट की स्थिति नहीं होना चाहिए, मतलब वो पॉलिटी का पार्ट नहीं होना चाहिए जो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और गवर्नर को यहाँ फिक्स्ड कर देना चाहिए उसका कार्यकाल कितना, 5 साल का। अब 5 साल के अधिकार देंगे जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल का कर दिया जाता है, तो उसके बारे में जो है अगर गड़बड़ी होती है तो इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग चलाया जा सकता है ताकि क्या हो उसे हटाया जा सके अगर गड़बड़ी की स्थिति हो तो। उसी प्रकार से गवर्नर को भी यहाँ बोला गया है कि गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए और इम्पीचमेंट भी होना चाहिए यानी कि महाभियोग होना चाहिए जिस प्रकार के राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है, तो गवर्नर का भी यहाँ डिफाइन करने की बात की गई है। और जो फाइनेंस कमीशन है आपने देखा होगा टैक्स से रिलेटेड या भी जो भी हमारा जो धन कोष है उससे संबंधित यहाँ पे जो होता है स्टेट और सेंटर के मध्य जो होता है कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो उनको धन का डिस्ट्रीब्यूशन या रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को डिफाइन करना होता है। तो फाइनेंस कमीशन के जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत किया गया है, तो क्या होता है जब मर्जी आई तब इसको बना लेते हैं, तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट करने की बात कही गई थी किसके द्वारा, पुंची कमीशन के द्वारा। तो ये जो कमीशन था मतलब जो सारे कमीशन हमने देखे तो इसमें मुख्य रूप से सरकारी कमीशन था और सरकारी कमीशन के बाद पुंची कमीशन था। तो पुंची कमीशन जो पूरी रूप से इनहेरिट था किसको अपग्रेड करके बनाया गया था, ये बनाया गया था सरकारी कमीशन, मतलब उसी की जो कुछ जांच थी वो पुनः करने के लिए इसका गठन किया गया था। और ये आपको याद रखना है, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि मदन मोहन पुंची मतलब MM पुंची इनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, कब, अप्रैल 2007 में।
तो देखते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। बाटा डिस्प्यूट से रिलेटेड जो लेक्चर रहेगा वो हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करें है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक और चीज़, आपने पिछले लेक्चर जितने भी पॉलिटी के लेक्चर है वो यदि नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लें जाकर। जो शुरुआत है मतलब जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उससे कम्प्लीटली इसको बनाया गया है और शुरुआत से इसको जो है लेक्चर को डिफाइन किया गया। मतलब अभी तक टोटल मिलाकर 26 लेक्चर होगा इसको मिलाकर। तो आपको इसकी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको ऊपर टॉप पे क्या दिखता है, एक आई बटन दिखता है, यहाँ पे आपको आई बटन नजर आता होगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं उसे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पूरे जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत से देखेंगे तो क्या होगा, सारे वीडियो आपको क्रमशः समझ में आते चलेंगे। और आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि क्या हो सबका फायदा होते चले। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि क्या हो आपको बार बार वीडियो ढूंढने या फिर चैनल को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि क्या हो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।